नमस्कार दोस्तों मैं हूं विकी आप देख रहे हैं वाला घाट आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यह फोटो मैंने लिए है कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि विकी भाई बताइए कि फ़ोटो को क्लीन फिल्टर के पैटर्न से किस टाइप से किया जाए या हमारे पास फ़िल्टर है तो उसका यूज़ हम किस तरीके से कुछ इस टाइप की फ़ोटो में कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख सकेंगे थोड़ा सा इसको जूम करूँगा मैं अगर मैं कोई कीबोर्ड बोर्ड की बटन का यूज़ करता हूँ तो वो भी आपको यहाँ नज़र आएगा थोड़े से एजेस टाइप के दिख रहे हैं तो इस फोटो को कैसे क्लीन करेंगे तो वो हम समझ लेते हैं तो यहाँ पर बताना चाहता हूँ मैं कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं यूट्यूब चैनल को तो ठीक है नहीं तो लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि किसी लोगों का बेनिफिट हो जो फोटोग्राफी सीख रहे हैं जो सीखना चाहते हैं उन लोगों का बेनिफिट हो सकता है इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे शेयर ज़रूर करें बाकी ठीक है अब देखते हैं और अगर कोई चीज़ चाहिए हो तो आप इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं सॉफ्टवेयर पेड सॉफ़्टवेयर चाहिए तो आप मुझसे बोल सकते हैं मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा बहुत ज़्यादा लोगों का जवाब देना पॉसिबल नहीं है पर कोशिश पूरी करता हूँ कि जवाब दे पाऊँगा फ़िल्टर में आना है यहाँ से पोर्ट्रेचर का एक फ़िल्टर लिया मैंने सिंगल क्लिक में यहाँ क्लिक करना है और इधर पे क्लिक कर देंगे जूम करके देखेंगे तो ये एक्टिव हो चुका है इसको कैंसिल कर देता हूँ दोबारा से ओपन कराऊंगा मैं और यहाँ सिर्फ ओपन कराऊंगा और ये अपने आप एक्टिव हो चुका है देखेंगे एक्टिव हो चुका है थोड़ा बहुत अगर आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं बस अब यहाँ पर आपको चेंजेस खुद ब खुद नजर आएंगे ये हो गया इसका थोड़ा सा फेड कम कर दूंगा मतलब कि इसको थोड़ा कम कर दूंगा ब्राइटनेस को बस सॉरी ब्राइटनेस बोलने का मतलब ये है कि फ़िल्टर को थोड़ा कम कर दूंगा ठीक ठाक है अब इसको मैंने ये तो कर दिया लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए था मुझे इसको सेलेक्ट कर लेना आल और इसको कर लेना कॉपी ये कॉपी कर लिया और हिस्ट्री में जाके इसको वापस लाना है यहाँ ओपन में वापस पेस्ट कर देना है इसका मतलब क्या किया है ये आपको नहीं करना है ये मेरे को करना था क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कंपेयर करके आपको शो करवाना है बाद में ये मैं ओरिजिनल फोटो पहले ये है और अब ये है देखेंगे चेंजेस आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ध्यान से देखेंगे पहले कुछ ऐसा था अब कुछ ऐसा है ठीक है ये चीज़ हो जाने के बाद मैं आपको इस पर थोड़ा सा एक और फिल्टर चलाना होगा वो ये है नेट इमेज ठीक है नेट इमेज ले लिया आपने और इसको इधर पे थोड़ा कट लगाएंगे और यहाँ से ऑटो प्रोफाइल में क्लिक कर देंगे ध्यान से समझना है आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी और इसको इधर पे करके देखेंगे यहाँ से थोड़ा फिल्टर कम ज़्यादा होगा तो उसको एडजस्ट कर लेंगे ये ठीक ठाक है थोड़ा बहुत ठीक ठाक है इसको एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो देखेंगे यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ ठीक ठाक है इसको फिल्टर कर देता हूँ थोड़ा ज़्यादा एवरेज फिल्टर हो चुका है शायद मेरी समझ से ठीक ठाक है और थोड़ा ज़्यादा कर सकता हूँ मैं लेकिन बेहतर हो पाएगा मुझे उम्मीद है मैं ये कोई एक्सपेरिमेंट करने के बाद नहीं बना रहा हूँ ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ गड़बड़ होगा तो उसको भी सुधार करूंगा मैं और यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को समझने में सीखने में बस आपके पास चीज़ें अवेलेबल हो और वर्क करना होता है बेस्ट तरीके से आप चीज़ें सीख जाएंगे बस हो गया इतना काफ़ी है थोड़ा ज़्यादा हो गया ठीक ठाक है इतना काफ़ी है और वापस एक बार मैजिक प्रो चला देता हूँ लगभग ग्यारह बस हो गया ये काफ़ी हो गया है इसको भी थोड़ा सा कम कर देता हूँ और यहाँ से इधर पे आना ये वाला बटन चला देना है इसको कम कर दूँगा ध्यान से देखेंगे मैं क्या क्या कर रहा हूँ सारी चीज़ें अब आप देख लेंगे यहाँ पर आपको अंतर आपकी स्क्रीन पर नज़र आएगा पहले फ़ोटो कुछ ऐसी थी अब फोटो कुछ ऐसी है बहुत ज़्यादा हमने इतना डिटेलिंग नहीं देखा है लेकिन कुछ ना कुछ आपको चेंजेस जरूर नजर आ रहे होंगे जैसे कि आप यहाँ से जूम करके अगर आप नोटिस करें आँखों को और बाकी जगह को तो देखेंगे यहाँ पर जो एजेस थे जैसे यहाँ गाल के पास में जो एजेस थे वो एजेस कैसे कम हो गए और क्लीन हो गए नीट एंड क्लीन हो गए अगर इसको चाहें तो आप और क्लीन कर सकते हैं जैसे कि मैं ये टूल चला के देखूंगा यहाँ पर ये टूल चलाने में बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट मिलता है जैसे यहाँ से अब इसको आप कंपेयर करके देखेंगे पहले और अब में अंतर आपको यहीं समझ में आ जाएगा मैं इसको सिर्फ एक्सपेरिमेंट के तौर पे करके दिखा रहा हूँ देखेंगे पहले और अब पहले और अब ये अगर आप चाहें तो इतना भयंकर क्लियर कर सकते हैं इसको क्लीन कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते बिल्कुल ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि ये फोटो औरिजिनल है बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा आपने यूज़ कर लिया तो ये चीज़ भी कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर यहीं तक ठीक ठाक लगेगा मेरी समझ से इतना काफ़ी है अगर आप बहुत ही बड़े बड़े पेज में बना रहे हैं तो आप उसको हाई क्लीन करिए नहीं तो ठीक है बेहतर बना पाएंगे तो उम्मीद है कि फ़िल्टर का यूज़ करना आप समझ चुके होंगे कि इस फिल्टर का यूज़ इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर ऐसे यूज़ कर सकते हैं अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है ऐसा मैंने बहुत सारी बार बताया भी है और कीबोर्ड का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ माउस से क्लिक करके बताया एक भी बटन मैंने की का नहीं दबाया है तो बस उम्मीद है मेरे को कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें ना करें शेयर ज़रूर करें वीडियो देखने लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लें थैंक यू धन्यवाद जय भीम